हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। आज के इस वीडियो में हम 19वीं शताब्दी की एक गेम देखेंगे, पॉल मोर्फी का जो एरा शुरू हुआ उससे पहले की। ये गेम 1839 में खेली गई थी, जहां पे वाइट से खेल रहे वो तो काफ़ी छोटा नाम है, ब्लैक से खेल रहे बरून तसिलो वॉन हेड्रे ब्रांड अंडर लासा। काफ़ी जो है नेम प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आती है, बट एनीवेज ब्लैक से जो प्लेयर खेल रहे हैं वो वैसे तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट उन्होंने जो है काफ़ी दिग्गज जैसे कि एंडरसन, कार्ल माइथ एंड हार्वर्ड स्ट्रेटन जैसे प्लेयर को जो है बीट किया था। सो काफ़ी उम्दा प्लेयर थे। सो आइए देखते हैं गेम। गेम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो टाइम ऐसा था जब लोग दो ही चीज़ों में बिलीव करते थे, एक ओपोनेंट के किंग की चेकमेट और दूसरा जो है ढेर सारा मटेरियल इकट्ठा करो एंड देन विन कर दो गेम। सो यहाँ पे वाइट से जो खेल रहे वो मटेरियलिस्टिक थे, वो मटेरियल में बिलीव करते थे, जबकि ब्लैक से जो खेल रहे बरून वो अटैक में बिलीव करते थे। सो गेम की शुरुआत व्हाइट ने e4 से की। नाउ e5, बिशप टू c4, बिशप्स ओपनिंग उस टाइम का जो है वन ऑफ द फेवरेट ओपनिंग। एंड नाउ f5 और इन्हें जाना जाता है काला ब्रिज काउंटर गैम्बिट। यहाँ पे इस गैम्बिट के पीछे का पॉइंट क्या हो सकता है, आप f5 पे जो है पोन को सेक्रीफाइस कर रहे हो। सो पोजिशन जो है वो रिवर्स किंग्स गैम्बिट जैसी हो जाएगी, जहाँ पर आगे चल के आपको f5 पे काफ़ी अच्छा अटैक मिलेगा और वाइट जब f5 पे कैप्चर करेगा हम जो है इवन d5 करके हम काफ़ी बड़ा सेंटर जो है वो भी अचीव कर सकते हैं। f5 के बाद वाइट ने खेला बिशप कैप्चर्स ऑन g8, रुक कैप्चर्स ऑन g8 और अब पोन कैप्चर्स ऑन f5, जबकि उधर जो है नाइट टू c3 ज़्यादा अच्छा था, बट ओके उस टाइम पे जो है ना ही कुछ थियरी डेवलप हुई थी और ना ही किसी के पास इंजिन थे एनालिसिस करने के लिए। सो कैप्चर्स ऑन g8 एंड नाउ ई कैप्चर्स ऑन f5 खेला गया एंड नाउ d5। सो यहाँ पे ब्लैक ने काफ़ी बढ़िया सा सेंटर अचीव कर लिया, अब उसकी थ्रेट है बिशप कैप्चर्स ऑन f5 एंड गेम जो है बाद में ब्लैक की काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो क्वीन टू h5 चेक दिया गया एंड नाउ g6 एंड नाउ f कैप्चर्स ऑन g6, रुक कैप्चर्स ऑन g6। सो आइडिया दोस्तों, हमारा रुक एक्टिव हो चुका है ऑलरेडी और इस पोजीशन में से आप क्वीन कैप्चर्स ऑन h7 खेलते हो तो क्या हो सकता है, देन एक्चुअली ब्लैक जा सकता है क्वीन टू g5 के लिए, अटैक करेगा g2 पे से आप जो है g3 करोगे एंड देन नाइट टू c6 एंड देन उसके बाद जो है बिशप यहाँ पे आ रहा है एंड शॉर्ट लॉन्ग कैसल। और ब्लैक के पीसेस जो है वो काफ़ी अच्छे डेवलप है, क्योंकि बिशप जैसे ही जाएगा f5 पे c2 पे अटैक होगा और बाद में कैसल होते ही आप जो है अपना बिशप माइट भी c5 पे डेवलप करोगे एंड देन ब्लैक के पास जो है काफ़ी तगड़ा अटैक रहेगा। सो गेम में क्या हुआ कि रुक कैप्चर्स ऑन g6 के बाद वाइट ने खेला नाइट टू e2 एंड नाउ बिशप टू g4 अटैकिंग द क्वीन, जबकि उधर जो है नाइट टू c6 इवन ज़्यादा अच्छा था, बट एनीवेज नाइट e2 एंड बिशप टू g4 क्वीन पे अटैक है एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन h7। सो देखिए यहाँ पे वाइट क्या कर रहा है, वाइट जितना पॉसिबल है उतना मटेरियल जो है ग्रैब कर रहा है और इस पोजीशन की बेस्ट मूव ये है कि आप रुक g7 खेलो और क्वीन को जो है वो सेकंड रैंक पे ना रहने दो, मतलब आपकी सेकंड रैंक पे ना रहने दो एंड आफ्टर क्वीन टू h6 आप जो है क्वीन टू d7 नाइट c6 एंड जो है लॉन्ग कैसल के लिए प्लान करो। बट गेम में क्या हुआ कि क्वीन कैप्चर्स ऑन h7 के बाद वाइट ने खेला क्वीन टू f6। सो वाइट यहाँ पर सिर्फ अटैक करना चाहता है और वो जितना हो सके उतना मटेरियल देके सेक्रीफाइस कर रहा है। क्वीन कैप्चर c7 एक्चुअली वाइट ने खेला। सो क्वीन f6 के बाद क्या करना चाहिए था एक्चुअली ब्लैक को, ब्लैक यहाँ पे खेल सकता था लाइक नाइट टू c3। आइडिया ये है कि d5 पे अटैक है एंड आफ्टर नाइट कैप्चर्स अगर आप उसको सपोर्ट भी करते हो पोन से देन जो है क्वीन कैप्चर्स ऑन b7 उधर जो है काफ़ी अच्छा है वाइट के लिए, इनसे आप इस पोजीशन में कुछ और खेलते हो देन नाइट कैप्चर्स d5 वैसे भी आ रहा है। सो यहाँ पे बेस्ट मूव होती ब्लैक के लिए नाइट a6 खेले एंड जब नाइट कैप्चर्स ऑन d5 है वो जो है क्वीन टू e6 खेले और उसके बाद क्या होगा कि नाइट कैप्चर c7 में एटलीस्ट नाइट कैप्चर c7 रहेगा। इसी रीज़न की वजह से इससे पहले की मूव में रुक टू g7 खेलना ज़रूरी था, बट एनीवेज क्वीन f7 एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन c7 अगेन सेम चीज़ जो है वाइट जस्ट मटेरियल इकट्ठा करने में मान रहा है एंड नाउ नाइट टू c6 नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन b7 बट रुक टू b8। सो क्वीन पे अटैक है एंड नाउ क्वीन टू a6 एंड नाउ रुक टू b6 अगेन क्वीन पे अटैक है एंड से इस पोजीशन में आप क्वीन टू a4 खेलते हो देन यहाँ पे बिशप कैप्चर्स ऑन e2 एंड आफ्टर किंग कैप्चर्स ऑन e2 रुक कैप्चर्स ऑन g2 और देखिए अभी अटैक जो है f2 पे है एंड से रुक f1 खेलोगे देन सिंपली रुक टू b4 और जैसे क्वीन मूव होगी यहाँ पे रुक टू e4 उसके बाद जस्ट क्रशिंग क्वीन है। सो रुक टू b6 के बाद गेम में खेला गया क्वीन टू d3 बट नाउ नाइट टू b4 क्वीन पे अटैक है एंड नाउ क्वीन टू b3 एंड नाउ बिशप टू c5। सो ये चीज़ आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्लैक के पास 3 पोन है, वाइट के पास जो है 7 पोन है, 4 पोन डाउन है,
बट पोजिशन में उसके सारे के सारे पीसीज जो है डेवलप है, जबकि वाइट का एक ही पीस डेवलप है, वो भी नाइट E2 पे, और अकेली क्यून यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है। इस पोजीशन में से आप कैसल के लिए जाते हो, आप से नाइट E2 को छोड़ भी देते हो, फिर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बिशप कैप्चर E2 और रुक भी देना पड़ेगा, क्योंकि रुक मूव करते ही क्वीन कैप्चर से F2 उधर विन है। सो बेसिकली ये पोजीशन जो है वो ब्लैक के लिए कम्प्लीटली विन हो चुकी है ऑलरेडी। सो बिशप टू C5 के बाद खेला गया D4 एंड नाउ E कैप्चर्स ऑन D4 एंड नाउ क्वीन टू F4 चेक, जबकि से उधर आप कैसल करते तो सेम चीज़ बिशप कैप्चर E2, सो क्वीन F4 चेक एंड नाउ बिशप टू D7 क्वीन पे अटैक है, क्वीन टू B3 एंड नाउ D3 का पॉइंट ये है कि आप जो है सिंपली इधर बिशप कैप्चर F2 या फिर क्वीन कैप्चर F2 जो है अनेबल कर रहे हो। इस पोजीशन में अगर आप कैसल करते हो देन पोन कैप्चर्स आ रहा है, ब्लैक ने यहाँ पे खेला, सॉरी वाइट ने यहाँ पे खेला पोन कैप्चर्स ऑन D3 एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन F2 चेक एंड आफ्टर किंग टू D2 रुक कैप्चर्स ऑन G2, सो इमीडिएट थ्रेट यहाँ पे है क्वीन कैप्चर्स ऑन E2 की, सो रुक टू ओके E1 गेम में खेला गया। और अब वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए किस तरह से इस पोजीशन में बाय फोर्स चार मूव में चेकमेट हो सकती है। ऑल्दो वाइट ने जो है मिस किया, बट चार मूव में ही चेकमेट हो सकती है यहाँ पे। रेडी, चेकमेट हो सकती है विथ बिशप टू E3 चेक। इनसे वाइट यहाँ पे खेलता है किंग D1, देन एक बढ़िया सा क्वीन का सेक्रीफाइस आ जाएगा और मेट हो जाएगी, क्वीन कैप्चर्स ऑन E2 चेक, रुक कैप्चर्स ऑन E2 रुक चेक, रुक टू E1 फोर्स एंड नाउ बिशप टू G4 चेकमेट। उसी तरह से बिशप E3 के बाद से आप किंग C3 खेलते, देन यहाँ पे क्वीन F6 चेक एंड नाउ D4 एंड आफ्टर क्वीन टू C6 चेक यहाँ पे क्वीन C4 खेलना फोर्स, और उसके बाद क्वीन कैप्चर C4 चेकमेट हो रही है। बट ओके, ब्लैक ने मिस किया, ब्लैक ने खेला बिशप टू G4, जस्ट नाइट पे जो है वो प्रेशर बना रहे हैं एंड नाउ नाइट टू C3 एंड नाइट को सपोर्ट दिया एंड नाउ नाइट कैप्चर्स ऑन D3, क्वीन पे यहाँ पे अटैक है। सो इस पोजीशन में किंग कैप्चर्स में सिंपली रुक कैप्चर्स ऑन B3 आ रहा है और दूसरी थ्रेट हमारी यहाँ पे है कि हम क्वीन कैप्चर्स ऑन E1 खेलना चाहते हैं, और इस पोजीशन में से आप पहले चेक देते हो ताकि बिशप जो है वो पीछे जाए, और उसके बाद क्वीन टू D1 खेल के रुक को सपोर्ट करने की ट्राई करते हो। देन यहाँ पे नाइट टू B4 जो है वो कम्प्लीटली विनिंग है। हमारी यहाँ पे थ्रेट है क्वीन टू D4 चेकमेट की या फिर क्वीन टू E3 चेकमेट की। इसे आप क्वीन B3 वापस खेलते हो, वापस जगह बनाते हो, बट इसमें जो है क्वीन टू D4 अभी चेकमेट हो रही है, सो इट्स अ कम्प्लीटली विनिंग, राइट। सो नाइट कैप्चर्स ऑन D3 के बाद गेम में खेला गया है एक्चुअली क्वीन कैप्चर्स ऑन D5 और अब क्वीन टेक्स ऑन E1 चेक, किंग कैप्चर्स ऑन D3, बिशप कैप्चर्स ऑन E2 चेक, नाइट कैप्चर्स ऑन E2, क्वीन कैप्चर्स ऑन E2 चेक एंड देन किंग C3 के बाद जो है सिंपली C2 पर चेकमेट हो गई। सो ये थी कुछ जरक की 19वीं सेंचुरी में पॉल मॉर्फी से पहले लोग किस तरह से चेस खेलते थे। वो तो पॉल मॉर्फी जो है आपको पता ही है कि काफ़ी अटैकिंग प्लेयर थे, काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर थे, बट डिफरेंस ये था उसके बीच में और उनसे पहले के प्लेयरों के बीच में कि पॉल मॉर्फी के अटैक जो है उसको रेफ्यूट करना काफ़ी मुश्किल था, और उनका जो ओपनिंग सिलेक्शन था या फिर उनका जो भी प्ले था वो बेस्ड ऑन जो है ओपनिंग प्रिंसिपल्स थे, मतलब उनके पीसीज जो है जल्दी डेवलप होते थे, उनका किंग नॉर्मली सेफ रहता था एंड देन वो जो है अटैक करते थे। सो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो और ये गेम दोनों ही आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।